हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज मैं बना रही हूँ राजस्थानी टर्बन मैन विद द हेल्प ऑफ 3D आउटलाइनर और थोड़े से मिरर्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है केक बेस, और इसके बेस कोट करने के लिए इसके ऊपर मैंने ले लिया पुट्टी, और इसका एक पेस्ट बनाऊंगी मैं विद द हेल्प ऑफ फेविकोल एंड वेरी लिटिल वाटर। अच्छे से मिक्स करना है और कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लूज ही रखनी है, पेस्ट की तरह थोड़ी सी। इसको मैं इस पे बोर्ड पे लगा लूंगी, इसको सारा स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। पेस्ट को भी मैं स्पून की हेल्प से इस पे लगा के और सारा स्प्रेड कर दूंगी इसको। फिर इसको जो है बहुत हल्का सा पानी लेके और इसको स्मूथ कर लेंगे, और उसके बाद जब ये ड्राई हो गया तो मैंने कार्बन पेपर की हेल्प से डिज़ाइन को इस पे बना लिया, और अब इसके ऊपर वाइट कलर कर देंगे। डिज़ाइन में कार्बन करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ब्लू कार्बन यूज़ किया है, पर आप कोशिश करिएगा येलो कार्बन मिल जाए तो उसको यूज़ करिएगा। अब मैं इसकी कलरिंग स्टार्ट करूंगी, और सबसे पहले मैंने ऑरेंज और वाइट की हेल्प से स्किन कलर बनाया है। अगर आपको लगे कि इसका टोन बहुत लाइट है तो उसमें आप थोड़ा सा ब्राउन भी मिक्स कर सकते हैं, ऑरेंज वाइट और थोड़ा सा ब्राउन। पूरा फेस और इसके ईयर कलर ईयर्स को कलर कर लेंगे हम इसे। और इसके बाद अब मैं पगड़ी में कलर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया ऑरेंज कलर, डबल कलर से करूंगी इसकी टर्बन को, पहले ऑरेंज और उसके बाद रेड कलर से कलर कर लेंगे। राजस्थानियों की पगड़ी बड़ी कलरफुल से होती है एकदम, तो मैंने भी इसे डबल कलर से कलर कर लिया। इसके बाद बना लेंगे आईब्रोज और मूस्टेज। मैंने इसके नीचे जो ब्लू कलर कर लिया था, इसकी जो ड्रेस का नीचे ड्रेस का कुर्ता का है वो ब्लू कलर से कर लिया था, और इसके बाद अब जो बाकी रह गया है उसको पूरा बैकग्राउंड को पूरा येलो कलर से मुझे अच्छा लगता है, बहुत ब्राइट लुक आता है उससे। पर अब ये करने के बाद जब येलो कलर ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसकी पूरी आउटलाइन कर लेंगे 3D आउटलाइनर, ब्लैक 3D आउटलाइनर से। फेविक्रिल के ये डिफरेंट कलर्स के आउटलाइनर आते हैं, तो यहाँ मैंने ब्लैक यूज करा है। मूस्टेज के अंदर भी मैं थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए अंदर भी ये आउटलाइनर से इसको यूज करूंगी मैं आउटलाइनर को।
मेरा बीच का एक वीडियो डिलीट हो गया। मैंने ये जो डिज़ाइन है इसके ऊपर एक पॉलीथीन रखी और टेप से उसको चिपका दिया था, और उसके बाद में मोल्डिट लेकर उसकी पतली पतली कॉयल्स बनाकर और ये पधारो सा उससे लिख लिया था सारा। वो वीडियो एक्चुअली मेरे से डिलीट हो गया, आई एम सो सॉरी। इसके बाद ये जब ये ड्राई हो जाएगा ये मोल्डिट वाला पार्ट ये पधारो सा, तो इसको हम वाइट से पहले कलर कर लेंगे। बाद में इसको रेड कलर कर लूंगा। और जब ड्राई हो जाएगा रेड कलर, उसके बाद हम इसको जहां पे भी प्लेस करना है वहां पे इसे लगाकर और फेविकोल से स्टिक कर लेंगे। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, स्वागतम, स्वागत, वेलकम, पधारो मारे देश। मुझे पधारो सा लिखना था तो मैंने वो लिख लिया। ये करने के बाद हमारी कलरिंग भी हो गई और हमने ये मोल्डेड वाला पार्ट भी जो लिखना था वो भी लिख लिया। इसके बाद हम इस पर वार्निश कर देंगे। मेरे पास स्प्रे वार्निश है तो मैंने उसके ऊपर 2-3 कोट स्प्रे वार्निश के कर लिए। फिर बाद में मुझे लगा कि पगड़ी थोड़ी सुनी सुनी सी लग रही है तो मैंने इसके ऊपर ये वाइट से डिजाइनिंग कर दी। ये कंप्लीट होने के बाद फिर मैं इसमें मिरर लगाऊंगी, तो मिरर से पहले हमें वार्निश कर लेना। मैंने इसकी पगड़ी में भी ये रोम्बस शेप के ही वो लगा दिए थे थोड़ा सा टर्न करके, और कहीं कहीं पे बीच में क्रिस्टल्स भी लगा दिए ट्रांसपेरेंट वाले, और पूरे साइड में इसकी आउटलाइन एरिया में ये मिरर्स लगा दिए। एक्चुअली मैं इसको लिप्पन आर्ट की तरह करना चाहती थी पर मेरे को लगा ये बहुत छोटा है तो कॉयल बहुत पतली बनानी पड़ेगी, तो फिर मैंने इसलिए 3D आउटलाइनर यूज़ कर लिया था। और ये रेडी हो गया। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा मेरे वीडियो को।